साथियों नमस्कार। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो EWS की विसंगतियां दूर करने के लिए, उसमें सरलता लागू करने के लिए राजपूत समाज द्वारा कल बाड़मेर में अपनी मांगों को लेकर आज जो बात हुई है वो पूरा वीडियो आप सुने। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं आपका साथी जीवन कुमार, हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे आप मेरे साथ। EWS सरलीकरण को लेकर हम धरना दे रहे हैं। जो आर्थिक पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है उसमें केंद्र के स्तर पर बड़ी विसंगतियां हैं, तो उनको लेकर हम लगातार पिछले 2 सालों से संघर्षरत हैं। हमने MLA से सहमतियां ली, MP से सहमतियां ली, विधानसभा लोकसभा मुद्दे उठाए, भाजपा के पदाधिकारियों से पत्र लिखवाए, सब काम हमने किए हैं ताकि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति उसको वास्तविक न्याय मिल सके। पर हमारी मांगों को अब तक अनसुना ही किया गया है। जो जमीन की शर्तें हैं, जो संपत्ति की शर्तें हैं और जो महिलाओं को लेकर जो शर्तें हैं, वो ऐसी शर्तें हैं जिसके कारण से जो गरीब पिछड़ा व्यक्ति है उसको इस EWS का वास्तव में लाभ मिल नहीं रहा। जैसे राजस्थान गुजरात में सरलीकरण किया गया है और 8 लाख की एक जो इनकम है उसे एक पैमाना माना गया है। हम बार बार केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि आप इस मांग को माने और हमारी परिस्थितियों को समझें, तो वो इस बात को लगातार अनसुना कर रहे हैं। और मजबूरन हमें कल से हम श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन के बैनर पर प्रदेश भर में जितने भी भाजपा के जिला मुख्यालय हैं वहां हम लोग धरना देंगे और इनके मार्फत हम मोदी जी तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात को सुने, गरीब पिछड़ों की बात को सुने। ये जो मुद्दा है ये देशव्यापी मुद्दा हो गया है, जन जन का मुद्दा हो गया है। इस बात से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप वोट चाहते हैं लोकसभा चुनाव में तब आपको इस EWS सरलीकरण करना होगा, और नहीं करेंगे तो इस सवर्ण समाज में और सभी लोगों में जो आपके मूल वोट बैंक रहा है, राजपूत रहा है, ब्राह्मण रहा है, बनिया रहा है, आप उनको इग्नोर करेंगे तो आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में ये परिणाम भुगतने होंगे। राजपूत है लगातार भाजपा कोर वोट बैंक रहा है, और 2018 में हमने कहा कमल का फूल हमारी भूल तो हमने सरकार गिराई। 2023 में बात सही बनी, आपने हमें 26 टिकट दी, हम 16 जीत के आए। राज्य में गरीब है और केंद्र में जाते जाते अमीर हो जाता है। इस शहरी पार्टी को गांव गांव ढाणी ढाणी हमने पहुंचाया है। सरकार गिरा सकते हैं हम, सरकार बना सकते हैं, हमें सब रास्ते आते हैं। राजपूत सदा सदा ही सदियों इस संसार पे शासन किया है, हम रास्ते सारे जानते हैं, बस मर्यादा में रहते हैं, हमारी मर्यादाएं बनी रहे। EWS है जो आर्थिक पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है मोदी सरकार द्वारा, सबसे पहले हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमने सदा आभार व्यक्त किया है कि आपने अनारक्षित वर्ग की इस मांग को माना और उन्हें आरक्षण दिया। और जो आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उनके कारण जो गरीब व्यक्ति है उनको वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा। और विसंगतियां ये है कि जो 5 एकड़ जमीन की शर्त है, अब जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। अब 5 एकड़ का मतलब लगभग 12 बीघा जमीन होगी। गुड़गांव और दिल्ली में तो आप एक प्लॉट की कीमत करोड़ रुपये है, और राजस्थान में आप देखें पश्चिम राजस्थान में तो 5 एकड़ जमीन की कीमत 5 लाख रुपये भी नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग रेट्स हैं। आप पूरे में ही पैमाना लागू नहीं कर सकते, मापदंड लागू नहीं कर सकते। इसलिए हमारी लगातार मांग एक तो विसंगति ये है, दूसरी है कि आप 1000 स्क्वायर फीट का आपके मकान नहीं होगा शहर में और 100 वर्ग गज का आपके प्लॉट नहीं होगा। अब ये ऐसी शर्तें हैं जिनके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। और महिलाओं के लिए जो सर्टिफिकेट बनते हैं उसके ससुराल का भी साथ में जुड़ता है और पीहर की इनकम भी साथ में जुड़ती है, और जो परिवार की इकाई है उसमें उसके माँ बाप, भाई बहन, अविवाहित भाई बहन सभी शामिल हैं। ये तमाम विसंगतियां हैं, इनको लेकर श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन लगातार संघर्षरत है। 2019 से लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने MLAs को बोला, सहमति पत्र लिए, हमने भाजपा के सभी MP सहमति पत्र लिए, विधानसभा मुद्दा उठाए, लोकसभा मुद्दा उठाए, और जो वीरेंद्र कुमार हैं इनके सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्री, उन्हें हम गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्फत मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तक 2 बार बात पहुंची। अभी जन्म शताब्दी वर्ष हुआ दिल्ली में, वहाँ उन हजारों की भीड़ के सामने महावीर सिंह सरवड़ी ने कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसे समझें, इस बात की तकलीफ को समझें, ये राजस्थान का मुद्दा नहीं, ये पूरे भारत की मांग है, और जो गरीब पिछड़ा व्यक्ति है वो इससे बहुत पीड़ित है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जन जन की आवाज़ है, आप इसको समझें। और जब आपने दे ही दिया है, 10% जब आप दे ही चुके हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? उसी के अंदर तो सरलीकरण मांग रहे हैं, इससे किसी को आपत्ति नहीं, किसी समाज, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी को कोई आपत्ति नहीं, आपको सरलीकरण करना चाहिए। और हम ये बराबर कह रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि राजपूत है लगातार भाजपा कोर वोट बैंक रहा है, और 2018 में हमने कहा कमल का फूल हमारी भूल तो हमने सरकार गिराई। 2023 में बात सही बनी, आपने हमें 26 टिकट दी, हम 16 जीत के आए, 70% हमारी जीत का प्रतिशत है। कांग्रेस ने हमें 13 टिकट दिए, उसमें से मात्र एक विधायक जीत के आता है। 90% वोट हम भाजपा को देते हैं, लगातार दे रहे हैं। इस शहरी पार्टी को गांव गांव ढाणी ढाणी हमने पहुंचाया है, हमारी अपनी पार्टी खून पसीने सींचा है,
और आज हमसे ही बेगुनाही, हमसे ही अन्याय, हमें दर्द होता है। ये दर्द सारे भारत के युवा को हो रहा है और लगातार ये ऐसी मांग है जो मांग ही अनसुई नहीं है। आप इस मांग को इग्नोर नहीं कर सकते। और हम फिर कहते हैं ये हमारी भाषा नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं, हम इस तरह की धमकी भरी भाषा बोलते नहीं, पर मजबूरन आज हमें धरना देना पड़ रहा है। मजबूरन हमें ये भाषा बोलनी पड़ रही है कि आप अगर सरलीकरण नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। आप कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे कि किस तरह के आंकड़े, कैसे सर्टिफिकेट बन रहे हैं? आंकड़ों की मैं निवेदन करूं आपसे कि जैसे पिछले वित्त वर्ष में 2,77,000 सर्टिफिकेट बने राजस्थान में राज्य स्तर के, और उसकी अपेक्षा जो केंद्र में बने वो 90,000 बने, तो 70-30 का रेशियो है। जो व्यक्ति राजस्थान में तो गरीब है, दिल्ली जाते जाते अमीर हो जाता है। अब बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर 7,700 सर्टिफिकेट बने राज्य के, और जो केंद्र में जाते जाते 1,400 हो जाते हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में 10,100 सर्टिफिकेट बने राज्य के और सिर्फ 1,000 सर्टिफिकेट बनते हैं केंद्र के। ये अनुपात है। आप सोचें कि जो व्यक्ति राज्य में गरीब है और केंद्र में जाते जाते अमीर हो जाता है, ये क्या बात है? ये तमाम विसंगतियाँ हैं, इन्हें हम दूर करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर फाउंडेशन आज भाजपा के जिला कार्यालय पर धरना दे रहा है। ऐसे धरने राजस्थान पूरे में होंगे, उत्तर प्रदेश पूरे में होंगे, मध्य प्रदेश पूरे में होंगे और केंद्रीय दिल्ली में होंगे। इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को माने, बात को समझे और ये सरलीकरण करे तो उनके हित में रहेगा, हमारे हित में रहेगा। तो विसंगतियाँ दूर नहीं करती तो क्या कदम रहेंगे? विसंगतियाँ अगर दूर नहीं करती तो ये हमारा पहला स्टेप है। हम धरनों के आदि नहीं, हम प्रदर्शनों के आदि नहीं, लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास रखते हैं। पर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी बन पड़ेगा हम सब करके दिखाएंगे। हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं, हमें सब रास्ते आते हैं। राजपूत सदा सदा सदियों इस संसार पर शासन किया है, हम रास्ते सारे जानते हैं, बस मर्यादा में रहते हैं, हमारी मर्यादाएं बनी रहे, वरना आंदोलन भी होंगे, धरने प्रदर्शन भी होंगे, सारी जिम्मेदारियां सरकार की रहेंगी।